वही नगर निगम रिसारी के भाजपा पार्षदों ने निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि निगम में शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कांग्रेस का पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिक निगम रिसाली के परिसर में धरना प्रदर्शन करते ये हैं भाजपा के 12 वार्डों के पार्षद। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम रिसाली के द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के लिए 40 वार्डों के लिए सूची जारी की गई थी, जिसमें शासन के मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समिति में कांग्रेस के पदाधिकारियों का ही चयन किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। धरना प्रदर्शन की जानकारी भाजपा पार्षद धर्मेंद्र भगत ने दी। आज हम लोग 12 वार्ड के पार्षद हैं हम लोग, और हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि निगम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में ये लिखा हुआ है राज्य की एक योजना है राजीव युवा मितान क्लब योजना। इस योजना के तहत खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वार्ड से एक समिति बनानी थी, जिस समिति का सभी को जमा करना था। तो इसमें जो जितने भी वार्डवासी थे तो पार्षदों के द्वारा वो जमा किया गया था। तो सभी खेल से जितने जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने अपने अपने वार्ड से लोगों का लाके जमा किया था। मगर यहाँ ऐसा है कि 12 वार्ड से हमने जमा किया, मगर जमा करने के बाद इस राजीव युवा मितान क्लब के नाम को हटाकर इन्होंने कांग्रेस क्लब कर दिया है, क्योंकि इसमें से जितने भी खेल वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सबको हटा दिया गया है। और कांग्रेस के पार्षद पति वो भी हैं, NHAI के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक दूसरे वार्डों में अपने भतीजियों अपने बच्चों का नाम देकर इन्होंने टोटल उनका नाम दिया हुआ है। इसमें एक भी किसी भी भाजपा के दिए हुए जितने भी 12 पार्षद हैं हमने अपने वार्डों से जिनका भी नाम दिया है उनमें किसी भी समिति को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, सारी समितियों को उन्होंने आउट कर दिया है। जो ये शासन की योजना है और इस शासन की योजना में इन्होंने आदेश जारी किया है कार्यालय नगर पालिक निगम रिसाली के द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ है और सारे लोगों का नाम है इसमें। ये नाम मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, ये अमनदीप सोनी जो हैं कांग्रेस के महामंत्री हैं, ये पार्षद के पति हैं प्रेमचंद साहू जी, और ये जो हमारे जीनत परवीन जी हैं, इस सारे जो जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे हैं। अब आप इनमें इनकी त्रुटियाँ देखिए कि इन्होंने किस तरह से इसमें काम किया है। NHAI के अध्यक्ष हैं रवि सिंह, उनका 2 वार्डों में नाम दिए हैं सचिव, दो जगहों पर। भ्रष्टाचार करने का इन्होंने नया एक लिया है, और राजीव क्लब योजना को इन्होंने टोटल कांग्रेस क्लब कर लिया है, और रिसाली नगर निगम को मैं कहता हूँ इन्होंने अघोषित कांग्रेस कार्यालय बना लिया है, और अपनी मर्जी से सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए और कांग्रेस के ही सदस्य और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं उनका नाम दिया गया है समितियों में, और वही लोग इसमें हैं जिनसे उनको लाभ मिले, उनको शासन के पैसे का दुरुपयोग कर सके। नुकसान भाजपा को नहीं, नुकसान जनता को। हमारे वार्ड के लोग हैं जो खेल प्रेमी हैं, जो ये जिस मकसद से ये निदान योजना लाई गई है वो मकसद पूरा होना चाहिए। वो कांग्रेस का पदाधिकारी है इसलिए उसे पैसा मिले ये जरूरी नहीं। आप वार्ड के जो खेल के प्रति जो लोग जागरूक है उनमें एक समिति आप इसमें से कोई भी नहीं है जो खेल के लिए, कोई समर्पित नहीं है खेल के लिए, ना ही कोई इसमें खिलाड़ी है। सारे के सारे जितने भी अध्यक्ष सचिव हैं वो सारे के सारे कांग्रेस पदाधिकारी हैं। भाजपा पार्षदों के धरना प्रदर्शन को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अमनदीप सोढ़ी और पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। मैं अमनदीप सोढ़ी, जिला सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई। मैं भाजपा पार्षदों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जो परसों इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था नगर निगम में, वो युवा मितान क्लब को लेके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। ये राज्य सरकार की योजना है युवा मितान क्लब योजना, हम सभी का स्वागत करते हैं इसमें। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन वाले लोग ही आएंगे या पार्षद पति ही आएगा या सिर्फ कांग्रेस के लोग ही आएंगे। हमने इसमें सभी को इन्वॉल्व करके सभी को इसमें रखा है, और मैं भाजपा पार्षदों से ये कहना चाहूँगा कि गलत अफवाह फैला के पब्लिक को गुमराह ना करें, जो सच्चाई है उसको सामने लेके आए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है राज्य शासन सरकार नीतीश सरकार के द्वारा एक योजना लेके आया गया है राजीव युवा मितान क्लब। इसके अंतर्गत सभी वर्ग 18 से लेकर 40 वर्ष तक सभी युवाओं और महिलाओं को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं राजीव युवा मितान क्लब। परसों ही एक भाजपा प्रत्याशियों द्वारा
एक वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ युवा मितान के खिलाफ। तो मैं ये चाहूँगा, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के मिलके हम लोग काम करें। जो मनसा आप लोग बनाया जा रहे हैं ये टोटल गलत है। और आपको बताना चाहूँगा, सभी वार्ड में माननीय मंत्री जी, हमारे विधायक माननीय श्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा सभी वार्ड में 100 करोड़ के लगभग कार्य हो चुका है। अगर आप लोग इसके बारे में भी आप कमेंट कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि सभी वार्डों में विकास कार्य हुआ है, अभी फिर होने का है। तो आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, राजीव एवं मितान क्लब ये कांग्रेस का नहीं, सभी वर्गों का है। आप लोग जो बरगला रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन ये चीज़ ना करे, इसमें सभी स्वागत है, सभी आमंत्रित है, और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, ये सबके लिए आमंत्रित है। राज्य शासन सभी वर्गों को सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल के लिए यह योजना लागू किया गया है। सभी वार्ड में सभी सादर आमंत्रित है। मैं प्रेमचंद साहू, पूर्व एल्डरमैन, नगर पालिका निशा। बहरहाल भाजपा पार्षदों ने समिति के पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बातें कही हैं। साथ ही नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।